गफूरुर रहीम, मैं रात भर तुझसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता रहा हूं। ये भीख मुझे दे दे मेरे मालिक, उसकी जिंदगी की भीख मुझे दे दे। अब तो सुबह हो चली है। हुजूर वजीर आजम मुबारक हो। आपकी दुख्तरे नेक अख्तर मुल्क के शहरजाद को एक रात और एक दिन की मोहलत और मिल गई है। ये तो नामुमकिन बात है। अल्लाह बड़ा कारसाज है हुजूर, वो चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। हमने खुद सुना है बादशाह सलामत ने एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी है। शुक्र है, एहसान है तेरा रहीम करीम, तूने बाप के आंसुओं की आबरू रखी। आज के दिन तो मेरी बेटी की मौत टल गई। शुक्र। आपा जान, आपा जान, सुबेता, मेरी बहन, अल्लाह, मेरी आपा जान मुझे गले से लगा रही है। जी चाहता है अपनी जान आप पर से सदका उतार दूं। नहीं, ऐसा ना कर मेरी बहन, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अरे मैं तो पराई हो गई हूँ, मेरे पास अब्बा जान की खुशियों का सहारा तू ही तो है। आसुमत बहो मेरी बहन, इन्हें बहने तो आपा जान, ये खुशी और गम के आंसू है। आपसे दोबारा मिलने की खुशी और फिर बिछड़ने का गम, अफसोस आंसुओं से लिखी हुई तकदीर को हम बर्दाश्त ही कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। ज़ुबैदा, अल्लाह ने तकदीर को इंसान के लिए बनाया है, इंसान को तकदीर के लिए नहीं। मैं उनकी रहमत से कैसे मायूस हो जाऊं? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह, मेरी आपा जान, मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसी हस्ती की छोटी बहन हूं जिसे अल्लाह की कुदरत पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर और कुरान पाक की तालीम पर मुकम्मल ईमान है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो आपा जान, क्या बादशाह सलामत ने अपनी कसम, अपना अहद कत्ल करवाने की जालिमाना रस्म बदल दी है? न हमने अपनी रस्म बदली है न कसम, न ही हमने अपना अहद तोड़ा है। हम वही हैं, हमारे दिल में इंतकाम के शोले भी वही है। अजीबोगरीब किस्सा सुनने से हमारी दिलचस्पी का हरगिज़ यह मतलब नहीं कि हमें औरत जात में दिलचस्पी है, हमें तो नफरत है औरत के नाम से भी। बारे इलाह, कुछ ऐसा कर दे कि उनके दिल से औरत के लिए नफरत निकल जाए। बेशक वो औरत से मोहब्बत न करें,
मगर उसे जलील भी तो ना करें। बाखबर होशियार जानिबे ख्वाबगा महाबत फला खाकान आजम तशरीफ ला रहे हैं। कुछ फल हुकूमत की जिम्मेदारियों में दिन भर मसरूफ रहकर अब थक गए होंगे। हुजूर कुछ तो आराम फरमाइए। कलियां भी आपकी मेहरबानी से क्यों दूर रहे, इन्हें भी फेंक दीजिए। शायद इसी तरह आप खुश होकर अपनी जुबान से कुछ तो हुक्म देंगे। टूटती कलियों के मातम में हवा रोती रही, फूल के चेहरे पे लिखी है कहानी रात की। वो कहानी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कहानी होगी। तुम सिर्फ आज रात की और मेहमान हो मलिका। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। मेरे सरताज, ये क्या कम खुशी की बात है कि मेरे कत्ल के बाद जब भी मेरा नाम आएगा तो आपके नाम के साथ आएगा, जैसे कि सौदागर और उसकी बीवी का नाम और जिन और सौदागर का नाम। उस किस्से का क्या हुआ, हम सुनना चाहेंगे। जब जिन ने सौदागर को मारना चाहा, तब जी तो फिर अर्ज करती हूं, सौदागर ने जिन से कहा, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोजे कयामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। मारता क्यों नहीं है, या तू मुझे इसी वक्त कत्ल कर दे या फिर मुझे मोहलत दे दे। कयामत का जिक्र करने वाले, अरे आदम साहब, तेरी बात ने तेरा इमाम तेरी सच्चाई है। अगर मैं तुझे 40 दिन की मोहलत दे दूं तो क्या तू यहां वापस आएगा? आऊंगा। तो फिर खा अपने अल्लाह की कसम। अपने पाक परवरदिगार अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अपनी कसम निभाने के लिए और अपनी जान देने यहाँ जरूर वापस आऊंगा। तो फिर याद रख, 40वें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहाँ अपनी मौत के लिए आ जाना।
तेरा बेटा आ गया, काबिर आ गया। रुखसाना मेरी बेटी। अब्बा जान। रुखसाना मेरी बेटी। अब्बा जान। कैसे हो अब्बा जान? कैसे हो फैजान? कैसे हो मेरे बेटे? कैसे हो रिजवान? कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। साबिर, 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 मेरे बेटे कहाँ हो तुम? मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे साबिर, मैं अक्सर ख्वाब में तुझे देखा करती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरे बेटे की हिफाजत करना। सफर में मेरा बेटा तेरे पास मेरी अमानत है, उसे साथ खैरियत के मुझे लौटा देना, मुझे लौटा देना। बस अम्मा बस, आपकी दुआओं की बदौलत ही मैं फिर आपके कदमों में आ गया हूँ। अरे रुखसाना, अपने अब्बा के लिए हमाम में गर्म पानी रख दे। जी दादी जान। और साजिदा, तू जल्दी से खाना तैयार कर, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी होगी। जी अम्मी जान, अभी खाना तैयार करती हूँ। अरे बेटे रुखसाना। जी। मेरे वजू के लिए पानी दे देना, मेरा बेटा आया है। मैं शुक्राने की नमाज तो पढ़ लूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा आ गया। रुखसाना मेरी बेटी, फैजान, साजिदा, रिजवान। मौत के लिए आ जाना। बस सिर्फ 23 दिन बाकी रहे। 23 दिन? कैसे 23 दिन बाकी रहे थे? कुछ नहीं, वैसे ही। बस अब रहने दो बेगम, तुम थक जाओगी। थके हुए तो आप हैं, रास्ते की तकलीफें उठाते हुए लंबे सफर से आए हो मेरे सरताज, कहां आराम मिला होगा। बस अब तुम आराम करो बेगम। मेरा आराम तो यही है कि मैं आपकी खिदमत करूं। मेरे जाने के बाद तुम कैसी रही? क्या हाल रहा तुम्हारा? बस आप आ गए हैं तो अब अच्छी हूं। हमारी तो सारी खुशियां आप ही के दम कदम से हैं। आपके बिना तो ये घर वीराना था। और मेरे बच्चे कैसे रहे? बच्चे रोज आपका इंतजार करके सो जाते थे और हर रोज एक नई उम्मीद लेकर उठते थे कि आज आज तो अब्बा जान जरूर आएंगे। हर आने वाला काफिला उन्हें आप ही का नजर आता था। फिर मायूस हो जाते और मुझसे लिपट कर रोने लगते। बस
अब आप हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना। अब हम आपसे बिछड़ कर खुश नहीं रह सकते। आंसू ना बहाए मेरी रफीक जिंदगी। साजिदा शमा बुझा दो और सो जाओ। आज मेरी जिंदगी की एक रात और कम हो गई। अम्मा जान। हाँ बेटे। आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। यह है ऊनी चादर। इधर अम्मा। हाँ यह तस्बीह। और ये रहा मसाला। इस मसाले पर नमाज पढ़ूंगी और इस तस्बीह पर वजीफा पढ़ूंगी और अल्लाह से दुआ करूंगी मेरे बेटे की उम्र बढ़ाए, हर बला हर मुसीबत से बचाए। साजिदा ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए आपने इतनी जेवर खरीदे? मेरा जेवर तो आप हैं। मेरे माथे का टीका, मेरे सर का झूमर, आप ही तो हैं मेरे सरताज। आप अपने लिए क्या लाए हैं? अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन सब तुम्हीं लोगों के लिए और हमारा सब कुछ अम्मी जान आपने जो कहा था हमने वो गिन लिए और अब्बा जान जो कमा कर लाए हैं वो आप सुनिए। 5,000 अशरफिया, 1,00,000 रियाल, 1,00,000 दिरहम, 1,00,000 दिनार और बेशुमार कपड़े, हीरे और तोहफे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब अल्लाह का करम है। बहुत मेहनत की है आपने। ये सब तुम्हारी और बच्चों की तकदीर का है बेगम। तुम लोगों की तकदीर से हम भी दो रोटी खा लेते हैं। लेकिन क्या बात है, आप बात करते करते कहीं खो जाते हैं और ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे कोई आपसे कुछ छीन रहा हो। आखिर इस उदासी की वजह क्या है? मैं बताऊं अब्बा जान क्यों उदास है? मेरी शादी होने वाली है ना, इसीलिए जुदाई का गम है। अच्छा